हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिल्मी दोस्त में। दोस्तों, वैसे तो चोरी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन आज हम लेकर आए हैं साउथ की 10 बेहतरीन ऐसी फिल्में जिनमें चोरी या बैंक रोबरी को दिखाया गया है। और दोस्तों, ये 10 की 10 फिल्में हिंदी में भी अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जिसे सुनकर आप निराश होने वाले हो, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो बात ही ऐसी है। सो गाइज, चोरी के ऊपर साउथ में एक से बढ़कर एक फिल्में बन चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में ही है जो हिंदी में डब हुई है। और जो हिंदी में डब हुई है उनमें से भी कुछ ही फिल्में हैं जो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो फिल्में हिंदी में डब हो चुकी है और यूट्यूब पर नहीं है उसका एक ही कारण है, और वो है डबिंग स्टूडियो। जी हाँ, जो फिल्में डबिंग करवाते हैं वे कई सारी कंपनी है। अब उनमें से कुछ कंपनी है जो अपनी फिल्मों को डब करके यूट्यूब पर डाल देते हैं, और कुछ कंपनी ऐसी है जो यूट्यूब पर नहीं बल्कि स्ट्रीमिंग एप्स पर डालते हैं। और उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी साउथ की फिल्म हिंदी में डब होती है वो सबसे पहले टीवी पर आती है, उसके बाद अदर प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। रही बात टीवी की, तो अगर फिल्म सोनी मैक्स या यू टीवी पर आती है तो 100% यूट्यूब पर जरूर आती है। और अगर फिल्म स्टार गोल्ड या जी सिनेमा पर आती है तो स्टार गोल्ड वाला वो फिल्म हॉट स्टार पर डालेगा, जी सिनेमा पर आती है तो वो जी फाइव ऐप पर डालेगा। और भी ऐसे ही कई चैनल्स हैं जिनकी अपनी अपनी स्ट्रीमिंग एप्स है। कुछ फिल्मों को अमेजन भी खरीद लेता है, तो वो फिल्में भी यूट्यूब पर नहीं आती है बल्कि अमेजन प्राइम पर आती है। और ऐसे ही नेटफ्लिक्स भी अब साउथ की फिल्मों को अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस पर डालने लगा है। अभी कुछ महीनों से आपने देखा होगा एमएक्स प्लेयर ने भी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर दी है। आने वाले टाइम में एमएक्स प्लेयर भी फिल्मों को डब करवाकर अपने स्ट्रीमिंग में डालने लगेगा। अभी तो एमएक्स प्लेयर पर सभी सर्विस फ्री है, लेकिन हो सकता है वो भी आगे चलकर उसे प्रीमियम कर दे। तो यही कारण है जो अब साउथ की फिल्में बहुत कम यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ज्यादा पका दिया है, लेकिन आपको ये जानकारी देना भी जरूरी था। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं साउथ की 10 बेहतरीन चोरी के ऊपर बनी फिल्मों के बारे में। नंबर 10, एटीएम एनी टाइम मनी। 2015 में रिलीज हुई एक मलयालम थ्रिलर फिल्म है, जिसके लीड रोल में जैकी श्रॉफ, भगत मैनुअल, प्रवीण प्रेम, विनय कान और सुभिक्षा है। दोस्तों, इस फिल्म को आईएमडीबी पर रेटिंग नहीं मिली है, लेकिन ये फिल्म काफी अच्छी थ्रिलर है। इसमें दिखाया गया है चार दोस्त जो चोरी करते हैं और उनका इस्तेमाल एक अंडरवर्ल्ड का डॉन बैंक रोबरी करने के लिए करता है। जी हाँ, इसमें बैंक डकैती दिखाई गई है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये आपको यूट्यूब के एक अनऑफिशियल चैनल पर हिंदी में मिल जाएगी। तुमने की है बैंक रॉबरी? नहीं, बैंक रॉबरी का सीन मैंने फिल्मों में देखा था। ये क्या रहा? ये जो बैंक रॉबरी का काम है ना, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस काम में काफी रिस्क है और ये एक टीम वर्क है। हम में से किसी ने भी गलती की तो वी आर फिनिश्ड। एवरीवन शुड बी केयरफुल। ओके। नंबर 9, कथी संडाई। 2016 में रिलीज हुई ये एक तमिल एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसके लीड रोल में विशाल, तमन्ना भाटिया, जगपति बाबू, वेदी वेलु, सूरी और तरुण अरोरा है। दोस्तों, ये फिल्म भी काफी अच्छी है। इसमें दिखाया गया है एक किसान अपने गांव के कल्याण के लिए रॉबिनहुड स्टाइल में चोरी करता है, लेकिन इस फिल्म को रेटिंग बहुत कम मिली है। जी हाँ, आईएमडीबी ने इसको सिर्फ 3.1 की रेटिंग दी है। ये फिल्म आपको राउडी राजकुमार नाम से हिंदी में मिल जाएगी। कंटेनर में जितना माल है उसको आपस में बांट लेते हैं, क्या बोलते हो? गवर्नर के हाथों 2 बार बेस्ट पुलिस का अवार्ड ले चुका हूँ, मुझे ही रिश्वत दे रहा तू। नंबर 8, मिस्टर फ्रॉड। 2014 में रिलीज हुई एक मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में मोहनलाल, मिया, विजय बाबू और देवगिल है। आईएमडीबी ने इसको 4.6 की रेटिंग दी है और 76% लोगों ने इसको पसंद किया है। फिल्म की कहानी एक कॉमन मैन की है, जिसका काम शाही घरानों के खजाने को लूटना है। दोस्तों, इसकी रेटिंग भले ही कम है, लेकिन फिल्म काफी अच्छी है। यह आपको हिंदी में
खतरों से खेलेंगे नाम से मिल जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम कैरीवन से हटना नहीं अब्बास, unless and until I tell you। अभी जो हम पर नजर रख रहा है उसका नाम साजन है, DYSP है, बहुत तेज है। तेज होने के साथ साथ वो करप्ट भी है। उसके पास दिमाग के साथ साथ चालबाजी का एक भयानक मिश्रण भी है। So deal with him carefully। I'll catch you। नंबर 7, मारो। 2011 में रिलीज हुई एक तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके लीड रोल में नितिन, मीरा चोपड़ा और अब्बास है। IMDb ने इसको 4.8 की रेटिंग दी है और 74% लोगों ने इसको पसंद किया है। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है एक बैंक रोबरी से जहां लुटेरे एक लड़की की हत्या कर देते हैं और बैंक मैनेजर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद क्या होता है आप फिल्म में देख सकते हो, या आपको मारू नाम से हिंदी में मिल जाएगी। नंबर 6, एडू गोल्ड एह। 2016 में रिलीज हुई है एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड रोल में सुनील, सुषमा राज और ऋचा पन्नाई है। IMDb ने इसको 4.8 की रेटिंग दी है। दोस्तों, ये फिल्म ज्वेल थीफ पर आधारित है, यानी ज्वेलरी चोरी पर। ये आपको हिंदी में यूट्यूब पर इसी नाम से हिंदी में मिल जाएगी। सर, फैक्ट्री के सारे कैमरों को ऑफ कर दो। क्यों सर? जो बोलता हुआ कर। ए, कैमरे ऑफ कर। नंबर 5, रॉबिन हुड। 2009 में रिलीज हुई एक मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड रोल में पृथ्वीराज सुकुमारन, नारायण, भावना, जयसूर्या और बिजू मेनन है। IMDb ने इसको 5.7 की रेटिंग दी है और 90% यूजर्स ने इसको पसंद किया है। दोस्तों, ये फिल्म वाकई बहुत जबरदस्त है। इसमें दिखाया गया है वेंकी यानी पृथ्वीराज एक कोचिंग प्रोफेसर है और रात को वो नकली डेबिट कार्ड से ATM को लूटता है, लेकिन उसका प्लान शहर के बड़े बैंक IBI को लूटने का होता है। तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, इसमें सस्पेंस भी काफी अच्छा दिखाया गया है। वो सस्पेंस क्या है आप फिल्म में देख लेना, या आपको हिंदी में रॉबिन HD नाम से हिंदी में मिली। नंबर 4, धोचे। 2015 में रिलीज हुई एक तेलुगु क्राइम एक्शन मूवी है जिसके लीड रोल में नागा चैतन्य, कृति सेनन, ब्रह्मानंदम, रवि बाबू, ओसानी कृष्णा मुरली और पूजा रामचंद्रन है। IMDb ने इसको 5.9 की रेटिंग दी है। दोस्तों, ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। फिल्म की शुरुआत एक बैंक डकैती से होती है जहां दो चोर बैंक लूटते हैं। आगे क्या आप फिल्म में देख लेना, या आपको यूट्यूब पर हिंदी में मिल जाएगी। तुम सब फिल्में तो देखते हो ना, तो अभी तुम समझ ही गए होगे कि क्या होने वाला है। लगता है ये छोकरा अंग्रेजी फिल्में ज्यादा देखता है। चलो सब लोग इसे कॉपी करो। यहाँ का मैनेजर कौन है? मैं हूँ सर। नंबर 3, थाना सरेंधा कोटम। 2018 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन कॉमेडी क्राइम फिल्म है जिसके लीड रोल में सूर्या, कार्तिक, कृति सुरेश और राम्या कृष्णन है। IMDb ने इसको 6.8 की रेटिंग दी है और 88% लोगों ने इसको पसंद किया है। दोस्तों, ये बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की ऑफिशियल रिमेक है। ये आपको हिंदी में सूर्या की गैंग नाम से मिल जाएगी। झांसी रानी, उत्तम कुमार, CBI स्पेशल विंग। मैं वही कह रहा हूँ, बाद में आइए, घर की तलाशी लेना है। काइंडली कोऑपरेट। क्या कॉर्पोरेशन? एबी साहब, शुरू हो जाइए। मुरली, ऊपर जाओ। टेलीफोन हो तो किसके घर पर आकर क्या ढूंढ रहे हो? ये भी कोई जवाब होता है? इज्जत से कोऑपरेट कीजिए, वरना आप मिनिस्टर हैं, ये बात भूल। नंबर 2, मन कथा। 2011 में रिलीज हुई एक तमिल मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में अजीत कुमार, अर्जुन सरजा, त्रिशा कृष्णन, लक्ष्मी राय और अंजलि है। IMDb ने इसको 7.5 की अच्छी रेटिंग दी है और 91% गूगल यूजर्स ने इसको पसंद किया है। दोस्तों, ये फिल्म काफी अच्छी है। मैं आपको इसकी जरा भी स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें सस्पेंस और थ्रिलर है, तो आप इसको देखोगे तो खूब इंजॉय करोगे। ये आपको हिंदी में द किंग मेकर नाम से मिल जाएगी। नंबर 1, राजा थंडीराम।
2015 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड रोल में वीरा बाहू, रजीना कसांड्रा और पटियाल के शेखर है। आईएमडीबी ने इसको 7.7 की अच्छी रेटिंग दी है और 93% लोगों ने इसको पसंद किया है। दोस्तों ये काफी अच्छी फिल्म है। इसमें दिखाया गया है चार दोस्त जो छोटे मोटे चोर होते हैं, वो एक बहुत बड़ी चोरी करने की योजना बनाते हैं। तो क्या वो उस योजना में सफल होते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इसको हिंदी में एक अल्टीमेट चालबाज नाम से डब किया गया है। दोस्तों ये फिल्म यूट्यूब पर 12 पार्ट्स में है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 12 पार्ट्स की लिंक आपको एक जगह ही दे दूंगा। माल हमारे हाथ ही नहीं लगा और उनके हाथ से भी चला गया। माल बाइक में रखा है, ये बात सिर्फ हमको पता है। बाइक तुम भी नहीं लेकर आए, मैं भी नहीं लेकर आया। बात 10 लाख रुपए की हुई थी, नेकलेस, सोने के बिस्किट। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये लिस्ट, या आपके हिसाब से ये लिस्ट कैसी होनी चाहिए थी, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। साथ ही आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर करके जाना। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, देखते रहिए फिल्मी दोस्त।